कानी मरग कानी मीन्स पत्थर कानी पत्थर मरग मीन्स प्लेस मरग प्लेस मरग मीन्स प्लेस दोनों को मिला क्या था कानी मरग। हेलो गाइस वेलकम बैक, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल शिवर ऑन द ग्लोब पे। और आज मैं अभी हूँ पहलगाम में, जहाँ से मेरा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है अमरनाथ जी यात्रा का। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी 6 बज रहे हैं सुबह और अभी जस्ट बारिश रुकी है। यहाँ पे हर 5 मिनट में मौसम चेंज हो रहा है बार बार, और अभी जस्ट बारिश रुकी है और पेट्रोलिंग चल रही है। देखो लोगों को ये पीछे पूरा जाम लग रहा है, आप लाइन देख रहे होंगे, पूरी यात्रा अभी रोकी हुई है उन लोगों ने। सो अब मैं भी अपना ट्रैक स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी जस्ट नीचे आया हूँ, पीछे मेरी टीम खड़ी है और देखते हैं अभी हमें ट्रैक में क्या क्या और दिक्कतें झेलने को मिलती हैं। हालांकि हमने बोला था कि सुबह 4 बजे से निकल जाना है, पर हम निकल नहीं पाए किसी वजह के कारण। ये लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से जाए, कुछ लोग जा रहे हैं घोड़े से जाए, मैं चाह रहा हूँ पैदल जाएँ, पर देखो अभी क्या होता है। मैं आपको आगे रिपोर्टिंग करता हूँ, पूरा रास्ता दिखाता हूँ स्टार्टिंग से पहलगाँव से। यानी कि अभी रेन के कारण यात्रा बंद कर दी है, सो अभी मैं अकेला निकल पड़ा हूँ अपने ग्रुप से कि थोड़ा सा व्यू पॉइंट देखे जाए। तो अभी मैं स्विट्ज़रलैंड व्यू पॉइंट पे जाने वाला हूँ और पीछे मेरे घोड़े दिख रहे हैं, घोड़े से जाऊँगा क्योंकि मुझे कल भी ट्रैक करना है। तो मैं अभी सोच रहा था पैदल जाने की, पर थोड़ा सा सोचा कि यार घोड़े से ही चले जाते हैं क्योंकि कल हमने ट्रैक भी करना है अमरनाथ जी का, कल परसों जब भी हमारा ट्रैक ओपन होगा। तो अभी मैं आपको आगे के पूरे व्यूज़ दिखाऊंगा गाइस स्विट्ज़रलैंड व्यू पॉइंट के, जम्मू कश्मीर में पहलगाँव में। और यहाँ पे मैं व्यू पॉइंट को दिखाता भी हूँ आपको रोल करके कि फ़ोटोज़ किस तरह की हैं। लुक एट दिस गाइस, ये सब व्यूज है, चलो ले दो यार, ले लो यार, यादगार यही रहता है। लुक एट दिस यार, ब्यूटीफुल वैली, पहलगाँव वैली। और यहाँ पे पीछे एक शूटिंग भी हुई थी मूवी की, मूवी का नाम क्या था? हैदर, हैदर, हैदर मूवी जो थी आपकी वो यहीं पे हुई थी। और व्यू देखो गाइस, लुक एट दिस व्यू, अभी इनसे फोटो भी लिया है। तो जिस ट्रैक है बहुत मतलब नॉर्मल है, हालांकि मैं पैदल आ सकता हूँ, मुझे पता नहीं था इतना ही सिंपल है, अदरवाइज मैं पैदल ही आता। पर यहाँ पे मैक्सिमम लोग जितने भी हैं देखिए, हर 10 कदम की दूरी पे हमारी आर्मी लगी है। और साथ ही में यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग घोड़े पे जा रहे हैं। सो अभी बारिश भी हो रही थी तो मैंने इसलिए ही ले लिया। अब मैं आपको आगे के व्यू पॉइंट दिखाता हूँ, पहलगाँव वैली पॉइंट। तो ये देखो यार, मतलब ऐसे लग रहा है भाई स्वर्ग में पहुंच चुके हैं और सपना देख रहे हैं खुली आंखों से। इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे गाइस, हमारे सामने चल रहे हैं गुजराती बॉयज। सो जी गाइस, अगला व्यू पॉइंट है खानी महाराज करके और वो आने वाला है हमारा, और यही है वो व्यू पॉइंट। मैं आपको कैमरा रोल करके दिखाता हूँ गाइस, यहाँ से ये वाला व्यू पॉइंट कैसा लगता है। लुक एट दिस व्यू, खानी महाराज। पत्थर को बोलता कोइन, जगह को बोलता मरग, दोनों को मिला क्या था खानी मरग। खानी मरग, हाँ, जो 5 पांडव लोग थे ना महाभारत के, 5 पांडव, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने यहाँ से एक पत्थर लेके आगे एक मंदिर बनाया। कहाँ है वो मंदिर, कहाँ है? नीचे मार्केट में, ममलेश्वर टेम्पल। ममलेश्वर टेम्पल, अरे तो गाइज एक बार दोबारा बताना मीनिंग उसका, खानी महाराज। इनको निकलने कानी मरग, कानी मीन्स पत्थर, कानी पत्थर, मरग मीन्स प्लेस, मरग प्लेस, मरग मीन्स प्लेस, दोनों को मिला क्या था कानी मरग, कानी मरग। यस, तो यहाँ पे 5 पांडवों ने जी यहाँ से पत्थर लेके आए थे और उन्होंने नीचे एक ममलेश्वर टेम्पल बनाया था, राइट? गौरी शंकर टेम्पल और ममलेश्वर टेम्पल, गौरी शंकर टेम्पल एंड ममलेश्वर टेम्पल। सो जो नीचे ममलेश्वर टेम्पल है वो 5 पांडवों ने ही बनाया है, जैसे कि पंच केदारों को 5 पांडव की वजह से ही बने थे। और ये वो व्यू पॉइंट है खानी महाराज, और इन्होंने मीनिंग समझाया हमें बहुत अच्छे से हमारे घोड़े वाले भैया ने। सो अभी हम आगे चलते हैं और आगे के व्यू पॉइंट्स दिखाता हूँ गाइस। आप व्यू देखो यार, दिस इज़ कॉल्ड कश्मीर यार, खुली आंखों से आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है यार सपना देख रहे हो गाइस। सो गाइस यार, आपको एक बात तो ज़रूर बोलूँगा यार, आओ कश्मीर और कश्मीर आके घूमो,
क्योंकि यार मुझे लगता है ये सच में हेवन है, ये स्वर्ग है, और आप लोगों को भी आना चाहिए और यहाँ पे घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी बेचारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रहते हैं लोग, ये मेरे साथ जो घोड़े पे भी आया है ये भी एज अ लेबर वर्क कर रहा है, और इसे इस पूरे ट्रैक के केवल 200 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ का जो मालिक है मेन तो इसका मेहनत घोड़े की और पैसा जो है इसके मालिक का सेम सिचुएशन है। सो ये इनके लिए भी एक मौका मिलेगा कमाने का, इनको जितने भी ये लेबर्स हैं आने वाले टाइम में कुछ बढ़िया कमाएंगे, कुछ बढ़िया करेंगे अपने देश के लिए। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आओ यहाँ पे विज़िट करो, हमारे इंडियन आर्मी ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिफेंस कर रखा है, हम सबको सेफ कर रखा है, हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे इंडियन आर्मी हमारी सेफ्टी कर रही है, और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी दिक्कतें हैं, मतलब कि जैसे कि आप हेलीपैड पे जा रहे हो तो उन्होंने बाहर बंदों के लिए, बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल भी कोई सिचुएशन मतलब कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है, बाहर कोई टेंट नहीं लगाया हुआ उनके लिए, बेचारे बारिश में गीले हो रहे हैं, और यहाँ के ये बेचारे जो लोकल लोग हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हमारी सेफ्टी कर रहे हैं ये भी लोग, वहाँ पे चाय वालों ने इवन अपना टेंट लगा रखा है लोगों के लिए, 8-8, 10-10 लोग उनके पास रुक रहे थे, हालांकि ये काम गवर्नमेंट का था, वहाँ पे बाहर टेंट हाउस लगाना चाहिए, इंडियन आर्मी खुद गीली हो रही थी वहाँ पे, बाहर लोगों को रोक रही थी, वो तो खैर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो नॉर्मल लोग आए हैं उन सब के लिए मैं बताना चाहूँगा कि यार आपको सबसे पहले तो यार अपना जब भी अमरनाथ यात्रा के लिए आओ अपना रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करके आओ प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उनका, और हमारी यात्रा रुक गई थी तो रजिस्ट्रेशन भी बंद हो चुके हैं, सो उनको कोई पता नहीं है कि वो कब ट्रैक करेंगे कब नहीं करेंगे, हमारे 2-4 दिन इसलिए ख़राब होने वाले थे, तो मैंने सोचा कि हमें कुछ नया और बढ़िया करना चाहिए यहाँ पे, हमने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, होटल में पड़े रहने से बेटर रहेगा। अब जो व्यू पॉइंट आने वाला है गाइस बहुत ही औसम है, क्या है व्यू, कश्मीर वैली व्यू पॉइंट आने वाला है गाइस, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि यार कश्मीर वैली पॉइंट किस तरह से कितना ब्यूटीफुल है, सो दिखाता हूँ गाइस यार आपको आगे।